आवाज आ रही है क्या गाइस? हेलो गाइस, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो आवाज आ रही है क्या गाइज? आवाज आ रही है क्या गाइज? आवाज आ रही है क्या? आ रही है। ओके गाइज, तो चलो गाइज, पहला क्वेश्चन अपना था कि कौन सा स्टेटमेंट अपना सत्य है। तो गाइज यहाँ पे अपना आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका यहाँ पे सत्य है। गाइज ऑब्जेक्ट आपका ये रहा, इमेज बनेगी आपकी बिल्कुल अपोजिट, और इसके अंदर ये हो गया आपका पुपिल, हो गया यहाँ पे आयरिस होगी। देखिएगा ये आपका पूरा का पूरा कहलाता है कॉर्निया। कॉर्निया हमेशा डोनेट किया जाता है, इमेज हमेशा आपकी देखिएगा गाइज रेटिना के ऊपर बनती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन कौन सा था गाइज? प्रथम मानव चलित वाहन कौन सा था चंद्रमा की सतह पे गाइज? क्या आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि भारत ने भी, इसरो ने भी चंद्रयान 2 के साथ में एक मानव चलित यान भेजा था चंद्रमा की सतह पे चलने के लिए, उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था, किसी को पता है? चंद्रयान 2 के साथ में एक चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए वो यान भेजा गया था, उसका नाम क्या था गाइज? यहाँ पे अपना क्वेश्चन है कि चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन कौन सा था गाइज? आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ में, लूनर रोवर। अब गाइज ये जो लूनर रोवर था ये किसका था गाइज? ये नासा का था, ठीक है, अपोलो के द्वारा भेजा गया था। आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, लूनर रोवर आपका था गाइज किसका? बिल्कुल सही आंसर दिया गौतम कुमार, विशाल कुमार, बिल्कुल सही आंसर है गाइज। सौरभ जी बिल्कुल सही आंसर है गाइज। अब देखिएगा भारत का हो गया आपका प्रज्ञान, भारत का हो गया प्रज्ञान। अब गाइज यहाँ पे तीन कंट्रीज ओनली सक्सेस हुई है, तीन कंट्रीज कौन कौन सी सक्सेस हुई है चंद्रमा की सतह पर मानव चलित यान उतारने के लिए? पहला है आपका गाइज लूनर, जो आपका यूएसए का हो गया, ठीक है गाइज। दूसरा है यूएसएसआर का है, जिसका नाम है गाइज लुनखोडोस, ये नाम देख लीजिएगा, ये सोवियत यूनियन का, यूएसएसआर का है लुनखोडोस, नाम देख लीजिएगा LUNOKHODS। ये हो गया आपका, एक है चाइना का, चाइना वाले का नाम है गाइज YUTUS, चाइना वाले का नाम है YUTUS। और इंडिया वाले का आप सभी को पता है, इंडिया वाले का नाम है गाइज आपका प्रज्ञान, ठीक है गाइज। तीन ही सक्सेस हुई है अभी तक, और इंडिया वाले का नाम है प्रज्ञान। दोबारा से देख लीजिएगा, सोवियत यूनियन का है गाइज लुनखोडोस, चाइना वाले का है यूटूस, यूएसए वाले का है लूनर रोवर, और इंडिया वाले का है प्रज्ञान। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? कपाल, मेरुदंड, कंधा या पसली? दिए गए ऑप्शन में से गाइज कौन सी अक्सियल बोन नहीं है गाइज? क्या आंसर बनेगा अपना यहाँ पे? दिए गए ऑप्शन में से अक्षीय बोन कौन सी नहीं है गाइज? कपाल, मेरुदंड, कंधा या पसली? गाइज आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, कंधे के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कंधे के अंदर जो हड्डी है गाइज वो अक्सियल बोन नहीं है आपकी, बाकी आपकी कपाल के अंदर भी है, कंधे, ये मेरुदंड के अंदर, मेरुदंड यानी अपनी रीढ़ की हड्डी। अब गाइज ये अक्षीय है, अक्सियल हड्डी होती क्या है इसके बारे में देखिएगा यहाँ पे, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में यहाँ पे देखिएगा पूरा लिखा हुआ है। अक्सियल कंकाल मानव शरीर के आवास और उसके महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र है। अक्सियल कंकाल क्या है गाइज? मानव शरीर का जो आवास है और उसके जितने भी महत्वपूर्ण ऑर्गेन्स हैं उनकी सुरक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र है। अक्सीय कंकाल के अंदर टोटल 80 हड्डियाँ होती है, अक्सीय कंकाल के अंदर गाइज 80 हड्डियाँ होती है। अक्सीय कंकाल क्या है गाइज? ओनली सुरक्षा का केंद्र है, जितने भी ह्यूमन बॉडी के ऑर्गेन्स हैं उनके सुरक्षा का केंद्र है। अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियाँ होती है, जिसमें से आपके सिर के अंदर 29 होती है, वक्ष के अंदर 25 होती है, और जो शेरुकी मेरुदंड है उसके अंदर 26 हड्डियाँ होती है। इन सभी का वर्गीकरण यहाँ किया गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में आप पढ़ लीजिएगा इसको यहाँ से, ठीक है गाइज? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में किस टीके की खोज के लिए दिया गया था गाइज? क्या आंसर बनेगा? साइदा, पारमिन, रविराज, राजकुमार, पूजा सैनी, मोहित चौधरी, रविराज, सौरभ यादव, कोमल गुप्ता, गौतम कुमार। गाइज क्या आंसर बनने वाला है अपना? विशाल सिंह। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में किस टीके की खोज के लिए दिया गया था गाइज? आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 8, डिप्थीरिया। गाइज डिप्थीरिया आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, 1901 के अंदर दिया गया था ऑप्शन नंबर 8, डिप्थीरिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लीजिएगा डिटेल में 1901, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ आपको दिख जाए गाइज। 1901 में देखिएगा नाम क्या था, किसको दिया गया था 1901 के अंदर, जर्मनी के थे, नाम थे गाइज एमिल एडोल्फ वॉन बहरिंग। 1901 के अंदर दिया गया था गाइज, डिप्थीरिया की खोज के लिए दिया गया था, और किससे दिया गया था, एमिल एडोल्फ वॉन बहरिंग इनको दिया गया था गाइज। नेक्स्ट बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या बदल देते हैं तो इसका क्या बदल जाता है, आई थिंक सब लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। जब एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या बदल देते हैं तो इसका क्या बदल जाता है गाइज। आज गाइज हार्ड क्वेश्चन लग रहे हैं क्या एनटीपीसी वाले। परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या बदल देते हैं तो इसका क्या बदल जाता है, समस्थानिक बदलेगा, आयन बदलेगा, आवेश बदलेगा, या तत्व संख्या बदलेगी। बिल्कुल सही आंसर है सभी का गाइज, यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला समस्थानिक के साथ में, ठीक है गाइज। समस्थानिक होता है जैसे कि हाइड्रोजन की बात करें आपका 1H1, 1H2, 1H3, तो गाइज इसके अंदर आपके न्यूट्रॉन्स बदल रहे हैं, इसके अंदर न्यूट्रॉन की वैल्यू 0 है, इसमें न्यूट्रॉन की वैल्यू 1 है, इसमें न्यूट्रॉन की वैल्यू 2 है। यदि आपका न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है तो आपका द्रव्यमान संख्या चेंज होगी, न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है द्रव्यमान संख्या चेंज होगी गाइज, यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा समस्थानिक। यह आपका प्रोटियम, यह है ड्यूटेरियम, यह है ट्राइटियम। एब और फ्लो दोनों क्या चीज़ है गाइज, देखिए ऑप्शन में से बताएगा गाइज एब और फ्लो क्या है। मिसाइल जो कि अभी हाल ही में उड़ीसा से छोड़ा गया, या नासा का कोई गुरुत्व मैपिंग उपग्रह है, या एक नए तारे की खोज हुई है, या लिक्विड के मापने का कोई यंत्र है। गाइज एब और फ्लो क्या है देखिए ऑप्शन में से गाइज आंसर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका नासा का गुरुत्व मैपिंग उपग्रह, ग्रेविटी मैपिंग सैटेलाइट। नासा क्या है गाइज, नासा आपका पता है अमेरिका के गाइज। नासा की पहले फॉर्म क्या थी, पहले नाम क्या था नासा का, 1958 के अंदर स्थापना होती है नासा की, पहले इसका नाम क्या था गाइज, तो देख लीजिएगा एट प्रेजेंट नासा का नाम है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। गाइज पूछ लिया जाता है लास्ट में एक की वैल्यू क्या गाइज, एजेंसी मत कर देना, लास्ट में एक की वैल्यू पूछ ली गई है तो एजेंसी मत कर देना, लास्ट में एक का मतलब है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना होती है गाइज 29 जुलाई 1958 को, ध्यान में रखिएगा 29 1958। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि नासा का पहले नाम क्या था, तो गाइज नासा का पहले नाम था नाका, नाका की फुल फॉर्म है गाइज नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स। तो 1958 से पहले नासा का नाम था गाइज नाका, नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स, और हेडक्वार्टर है इसका गाइज वाशिंगटन डीसी के अंदर, वाशिंगटन डीसी के अंदर आपका पैसे से संबंधित IMF और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है गाइज बताइएगा, खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है गाइज, लखनऊ, रांची, हैदराबाद या मैसूर। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है गाइज, बिल्कुल सही आंसर है, आंसर जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर डी के साथ में आपका मैसूर, मैसूर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बनेगा गाइज, मैसूर के अंदर स्थित है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर। गाइज इसकी स्थापना होती है 21 अक्टूबर 1950 को, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान की स्थापना होती है 1950, ध्यान में रखिएगा 1950, 21 अक्टूबर 1950 को इसकी स्थापना होती है। देखिए ऑप्शन में से बताएगा गाइज कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है, दिए गए ऑप्शन में से, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दिनेश जी, वेरी गुड मॉर्निंग, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है गाइज, IO, टाइटन, यूरोपा या गैनीमेड। गाइज गैनीमेड आपका सबसे बड़ा उपग्रह कहलाता है, जिस तरीके से आपका बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, गैनीमेड आपका सबसे बड़ा उपग्रह है। यहाँ पे एक टर्म सही है टाइटन, टाइटन किसका है गाइज, टाइटन किसका है, टाइटन है आपका शनि ग्रह सैटर्न का, तो गाइज यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइटन है आपका शनि का, शनि के टोटल उपग्रह की संख्या 82, गैनीमेड है आपका बृहस्पति का, बृहस्पति के टोटल उपग्रह की संख्या आपका 79। सबसे छोटा उपग्रह है आपका गाइज डिमॉस, सबसे बड़ा उपग्रह है आपका गैनीमेड। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया गाइज, WWW का आविष्कार किसके द्वारा किया गया गाइज, टिम बर्नर्स-ली, रॉबर्ट कान, विंटन कर्ब या रे टॉमलिनसन। तो गाइज WWW का आविष्कार किया गया था आपका ऑप्शन नंबर ए टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। तो गाइज एग्जाम में दो और इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, जीमेल का किसने किया, गूगल का किसने किया, WWW का तो हो गया अपना टिम बर्नर्स-ली, वर्ल्ड वाइड वेब का तो हो गया अपना टिम बर्नर्स-ली, जीमेल की बात करें तो गाइज मैं जीमेल का लिखता हूँ यहाँ पे नाम पहले PAUL पॉल,
BUCHHERIE इस तरीके का नाम है, पॉल बुचेरी, PAUL। यह है गाइस आपका जीमेल का, जीमेल का इन्वेंटर आपका पॉल बुचेरी। अब गूगल का तो आपको पता होगा, आई थिंक एक का नाम है, दो है गूगल के, एक तो है गाइस लैरी पेज, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आई थिंक याद होगा, एक तो है लैरी पेज और है सेग्री SEGREY सेग्री ब्रिन। दो कैंडिडेट है गाइस गूगल के इन्वेंटर, एक आपका लैरी पेज, दूसरा है सेग्री ब्रिन। लैरी पेज, सेग्री ब्रिन आपके दोनों गूगल के हैं और पॉल बुचेरी आपके जीमेल के गाइस। किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जनक किसे माना जाता है गाइस? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? जेम्स मक्किन केटेले, सिगमंड फ्राइड, विलहेम वुरंदत या गुस्ताव फेकनर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर सी के साथ में आपका, बिल्कुल सही है, गूगल के CEO सुंदर पिचाई, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो गाइस। गाइस यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जनक पूछा गया गाइस, और ये भी है आपके जो सिगमंड फ्राइड है, ये भी अपना क्वेश्चन आया था कल, सिगमंड फ्राइड है, ये भी एक आपके मनोवैज्ञानिक थे। यहाँ पे क्वेश्चन है गाइस जनक कौन है, मनोवैज्ञानिक का जो साइकोलॉजी है गाइस, साइकोलॉजी का जनक कौन है? तो आंसर जाएगा आपका विलियम वुंडेट। तो गाइस ऑप्शन बी और सी, बी के बारे में भी एग्जाम में कल ही अपन ने देखा था, सिगमंड फ्राइड भी यहाँ पे एक साइकोलॉजी थे और यहाँ पे इसके जनक आपके विलहेम वुंडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए ऑप्शन में से किस विद्युत चुंबक के तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? गाइज तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसकी होगी गाइज, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं किया हो तो क्या आंसर बनेगा यहाँ पे बताएगा, रेडियो तरंग, इंफ्रारेड वेव्स, अक्ष किरणें या गामा किरणें। किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है गाइज? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी गाइज, क्या आंसर जाएगा यहाँ पे गाइज? आंसर जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ में, गामा किरणें। गाइज क्वेश्चन पूछा गया तरंग दैर्ध्य किसकी कम होती है, जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू 1/f होता है, जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गामा किरणों के साथ में, गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा मानी गई है, गामा किरणों की पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी, भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा। गाइज जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी सबसे ज़्यादा होगी। तरंग दैर्ध्य का इकाई होता है एंगस्ट्रम, फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है हर्ट्ज के अंदर। लैम्डा इक्वल टू 1/f ध्यान में रखिएगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है आपकी गामा किरणों की, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी हो जाएगी। गाइज सौरभ जी नाम बोले हैं आपका, सौरभ, रविराज, विशाल सिंह, पूजा सैनी, सुनील मेहता, साइदा पार्डन, पारबिन, रविराज, दिनेश कुमार, गौतम, कोमल गुप्ता, मोहित चौधरी, कृष्णा, कृष्णा बींद, आज नए कैंडिडेट भी जुड़े हैं, भाटी जी आ गए क्या, रविराज, सुनील मेहता। ओके गाइज चलो देखिए ऑप्शन में से मानव शरीर की परमाणु संरचना का हिस्सा नहीं है हाइड्रोजन, फास्फोरस, कार्बन या लेड। दिए गए ऑप्शन में से परमाणु संरचना का हिस्सा कौन सा नहीं है गाइस, क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? परमाणु संरचना का हिस्सा नहीं है गाइस, क्या आंसर बनेगा? गाइस आंसर जाएगा यहाँ पर लेड, सीसा। लेड आपके ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है, बल्कि जो ह्यूमन बॉडी के जो ऑर्गेन्स है, हाइड्रोजन भी है उसका हिस्सा, फॉस्फोरस भी है, कार्बन भी है, तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा गाइस लेड, सीसा, PB, बिल्कुल सही है। ओके गाइस बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, देखते हैं कौन कौन सही करता है। 80 किग्रा द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा? देखते हैं, फटाफट आंसर दीजिएगा गाइस, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बताएगा बहुत ही सिंपल सा गाइस, क्या आंसर बनेंगे यहाँ पे? यूनिट भी देख लीजिएगा, यूनिट में कन्फ्यूजन मत हो जाना गाइस, सब जगह यूनिट तो सेम रखी हुई है, तो गाइज यूनिट के अकॉर्डिंग आंसर दे दीजिएगा, संवेग की यूनिट क्या होती है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यदि आपका संवेग का मात्रक पता है तो आपका सही आंसर जाएगा। गाइज संवेग बोला जाता है P=mv को, मास हो गया, मास हमेशा kg के अंदर दिया जाता है, वेलोसिटी आपकी हमेशा मीटर प्रति सेकंड में दिया जाता है। अब किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकंड आपका कहाँ पे दिखने को मिल रहा है, ये रहा आपका ऑप्शन डी, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा, किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है गाइज, संवेग को इंग्लिश में बोला जाता है मोमेंटम, P=मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास का हो गया आपका किग्रा, वेलोसिटी का हो गया मीटर प्रति सेकंड, तो आ गया आपका किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकंड, दोनों को अपन मल्टीप्लाइड करेंगे गाइज अपना आ जाएगा 4800, ऑप्शन नंबर डी।
दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च है? बताइए गाइज, सिंपल सी बात है गाइज। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, एक 100 वाट का बल्ब है, एक 60 वाट का बल्ब है। यानी 100 वाट का बल्ब है ये ज़्यादा चमकेगा, 60 वाट वाला आपका कम चमकेगा। तो दो बल्ब में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, कौन सा बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा है? तो गाइज इसमें बताइएगा, 100 वाट वाले का ज़्यादा होगा या 60 वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं। तो गाइज क्या आंसर बनेगा है? पहला ऑप्शन कह रहा है आपका चमकीले बल्ब का प्रतिरोध ज़्यादा होगा, या जो ब्राइटनेस है वो प्रतिरोध के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती, या आपका जो डिम बल्ब है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, या दोनों का रेजिस्टेंस समान होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, क्या आंसर बनने वाला है यहाँ पे? गाइज आंसर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ में आपका डिम बल्ब। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा गाइज। दो बल्ब है एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर वाला रिलेशन लेंगे हम। वोल्टेज को हम पे हमेशा कॉन्स्टेंट रखेंगे अपन, घरों के अंदर अपना कनेक्शन होता है, वोल्टेज हमेशा कॉन्स्टेंट होता है अपना, पैरेलल के अंदर ये अपन सीरीज के अंदर कनेक्शन करते हैं, वोल्टेज रेटिंग सेम होती है। अब गाइज इसकी पावर ज़्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा। तो आपका जो डिम है गाइज, सिंपल सा अपन लॉजिक लगाते हैं तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा गाइज, किसका रेजिस्टेंस उच्च होगा? तो उच्च जैसे कि इसका रेजिस्टेंस मैं उच्च करूँ तो यानी इसकी जो पावर है कम हो जाएगी। तो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ध्यान में रखिएगा। डिम बल्ब आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा गाइज। मेंडेलियम की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर जो कॉलम होते हैं उनको क्या कहा जाता है गाइज? ऑप्शन वन कह रहा है कि ग्रुप बोला जाता है, ऑप्शन टू बोल रहा है कि वर्ग बोला जाता है, ऑप्शन तीन कह रहा है आवर्त बोला जाता है, चौथा ऑप्शन कह रहा है इकाई बोला जाता है। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है गाइज? देखिएगा पहला और दूसरा ऑप्शन देखिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर सकते हैं, समूह या वर्ग, क्या आंसर बनेगा गाइज? आई थिंक इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन से अपने को करेक्ट पता चलेगा कि कहना क्या चाह रहा है गाइज। आंसर जाएगा यहाँ पे समूह है, हो सकता है कि इसको इंग्लिश के अंदर ग्रुप लिखा हुआ है और इसको इंग्लिश के अंदर स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है? तो गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर एक के साथ में समूह बोला जाता है गाइज। खड़ी लाइनें होती हैं उनको अपन समूह बोलते हैं, और जो इस तरीके से होती हैं उनको अपन आवर्त बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। ओके गाइज एक और न्यूमेरिकल है, काफ़ी सिंपल सा है, देखते हैं। बिल्कुल रविराज जी, शेयर करते रहो, व्यूज़ बढ़ेंगे ऑटोमेटिक, थोड़ा बहुत आप भी सपोर्ट करो, एक दो ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दिया करो, बाद में कर दिया करो, चाहे पहले कर दिया करो, अपन शेड्यूल सेट करते तब शेयर कर दिया करो गाइज। न्यूमेरिकल अपना विस्थापन का मान क्या होगा? न्यूमेरिकल अपना गाइज विस्थापन का मान क्या होगा, क्या आंसर बनेगा गाइज? समस्या बाहर हो रही है, रीजन बताओ समस्या बाहर क्यों हो रही है, क्या किया जाए कि आपके समझ में आने लगे गाइज। क्वेश्चन कह रहे हैं एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है गाइज, ऊपर की तरफ गेंद को फेंका जाता है गाइज। इनिशियल वेग आपको दे रखा है 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी प्रारंभिक वेग आपको दे रखा है 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है गाइज। 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, समय आपको दे रखा है 3 सेकंड के बाद में इसका विस्थापन का मान कितना होगा? विस्थापन गाइज आप दूरी समझ सकते हो, विस्थापन आपको दूरी समझ सकते हो, भाई 3 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा, 3 सेकंड में वो कितनी हाइट तक जाएगा, सिंपल सी बात है। विस्थापन को आप दूरी समझ सकते हो या हाइट समझ सकते हो। गति के तीनों समीकरण आपको पता होगा गाइज, पहला होता है आपका वी बराबर यू प्लस एटी, दूसरा होता है एस बराबर यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, तीसरा होता है गाइज वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो गाइज एस वाला अपन काम में लेंगे, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, ठीक है। एक की जगह मैं जी रख देता हूँ, और वस्तु को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो मैं प्लस की जगह माइनस कर देता हूँ, क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा है। एस बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर बन जाएगा मेरा। यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइज, सही जा रहे हैं, यू की वैल्यू कितनी गाइज? 20 मीटर प्रति सेकंड इंटू 3, तो गाइज इसकी जगह हो जाएगा मेरा 20 इंटू 3 60 हो जाएगा, क्लियर है। यू की जगह 20 है, टी की जगह 3 है, तो 20 60 हो जाएगा, माइनस 1/2 जी की वैल्यू गाइज मैं 10 रख देता हूँ, टी स्क्वायर मेरा 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, 2 से ये 10 मेरा कैंसिल होकर 5 आ जाएगा, 9 5 45, 60 में से 45 घटाऊँगा
60 में से 45 घटाऊंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 15। बिल्कुल सही है गाइज। समीकरण ध्यान में रखिएगा, एस बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर हो जाएगा। यू की वैल्यू अपने को दे रखी है, जी की वैल्यू अपने को दे रखी है, टी की वैल्यू अपने को दे रखी है। अपन कैलकुलेशन करेंगे, अपने पास में आंसर आ जाएगा 15 मीटर। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? सूर्य के अंदर ऊर्जा कौन से माध्यम से उत्पन्न होती है गाइज? परमाणु संलयन, सौर ऊर्जा या थर्मल पावर या ग्रेविटेशनल एनर्जी? सिंपल सा क्वेश्चन है गाइज। आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, परमाणु संलयन। और गाइज इस अभिक्रिया का एक तो आपको ध्यान में रखना है, ये जो परमाणु संलयन है एक तो अनियंत्रित होती है, पहली इसकी प्रॉपर्टी है कि ये अनियंत्रित होती है। दूसरी इसके लिए अंदर कंडीशन है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए, परमाणु संलयन अभिक्रिया के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए जो पृथ्वी पे पॉसिबल नहीं है। दो तो ये, एक तो अनियंत्रित, एक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तीसरा इसका एग्जाम्पल पूछ लिया जा सकता है, तो एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम गाइस इसका एग्जाम्पल है। ये तीन चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है यहाँ पे परमाणु संलयन के ऊपर आधारित। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है गाइस? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका, अंग, उत्तक या नाभिक? सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आंसर बनेगा गाइस यहाँ पे? गाइस आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर एक के साथ में, कोशिका। देखिएगा गाइस मैं कई चीज़ें बोलूँगा लिख नहीं सकता, लेकिन आप सुनिएगा। सबसे छोटा होता है आपका परमाणु, परमाणु से आपका अणु बनता है, परमाणु परमाणु से अणु बनता है, अणु से गाइज आपकी कोशिका बनती है। समझिएगा, परमाणु से अणु, अणु से कोशिका, तो कोशिका आपका सबसे छोटा इकाई हो गई। अगर परमाणु होता तो अपन परमाणु पे टिक लगाते, अणु होता तो देख लीजिएगा आप, पहले नंबर पे परमाणु, दूसरे पे अणु, तीसरे पे कोशिका। कोशिका के बाद में आता गाइज आपका उत्तक, उत्तक के उत्तक से मिलकर बनता है आपका अंग, अंग मिलकर बनाते हैं आपके तंत्र, तंत्र मिलकर बनाते हैं शरीर, शरीर मिलकर बनाते हैं आपका समुदाय, समुदाय मिलके बनाते गए आपका जनसंख्या, जनसंख्या मिलके बनाती है आपकी पारिस्थितिकी, पारिस्थिति मिला के मिलके बनता है आपका जीवमंडल। एक बार दोबारा से बोल देता हूँ गाइज, सुनिएगा, परमाणु, उसके बाद में अणु, अणु से कोशिका, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से तंत्र, तंत्र से शरीर, शरीर से समुदाय, समुदाय से जनसंख्या, जनसंख्या से पारिस्थितिकी तंत्र, और लास्ट में बनता है अपना जीवमंडल। ओके गाइज, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, CYTOLOGY। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 के अंदर। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था गाइज? कोशिका सिद्धांत दिया था आपका स्लाइडन एंड स्वान ने, कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडन एंड स्वान ने। बिल्कुल इन सबकी प्लेलिस्ट बन चुकी है गाइज, 36 सेट हो चुकी है अपने, सबकी प्लेलिस्ट बन गई है, ठीक है वो देख लीजिएगा। आज राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज की प्लेलिस्ट बना दी गई है, इंडिया जीके की भी अपन बना देंगे। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता गाइज? क्वेश्चन नंबर 21, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता गाइज? लाल, नीला, गुलाबी या काला? गाइज आंसर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, नीला। ऑक्टोपस के खून का रंग होता है गाइज आपका नीला, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान में रखिएगा, ब्लू कलर होता है ऑक्टोपस के खून का रंग। दिए गए ऑप्शन में से कौन सी एक नोबेल धातु है? क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पे धातु है, नोबेल गैस तो आपको सभी को पता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनोन, रेंडोन आपकी नोबेल गैसेज होती है। जो ग्रुप नंबर 18 के अंदर पाई जाती है वो होगी आपकी नोबेल गैसेज। यहाँ पे क्वेश्चन है गाइस, नोबेल धातु, नोबेल धातु का मतलब उत्कृष्ट धातु, उत्कृष्ट धातु का मतलब है जो हर किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करें। ब्रह्मांड के अंदर जैसे कि ऑक्सीजन हो गई, उन सबके साथ में फालतू की रिएक्शन नहीं करें, उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़े। तो गाइस आंसर बन जाएगा यहाँ पे आपका चांदी, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। ओके गाइज, तो और कौन कौन सी आपकी इस तरीके की होती है गाइज, और कौन कौन सी होती है? जैसे कि आपकी गोल्ड हो गई, ठीक है, रोडियम हो गई, रूथेनियम हो गई, सिल्वर हो गई, ऑस्मियम हो गई, इरिडियम हो गई, प्लेटिनम हो गई। गाइज ये सभी के सभी एग्जाम्पल आपके उत्कृष्ट धातु के हैं, ये सभी के सभी एग्जाम्पल उत्कृष्ट धातु के हैं। तो एक तो आपकी चांदी हो गई, एक आपकी गाइज सोना हो गया, ये सब आपका क्या है? उत्कृष्ट धातु। और ओस्मियम गाइज आपकी सबसे भारी धातु है, साथ ही साथ में आपकी उत्कृष्ट धातु भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट पेन क्या है गाइज? कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया एक। माइक्रो टिप पेन, इनपुट डिवाइस, पेन टू राइट इन द डार्क, अंधेरे में लिखने के लिए एक पेन है, या कोई भार रहित पेन है? लाइट पेन क्या गाइज? माइक्रो टिप पेन, इनपुट डिवाइस, अंधेरे में लिखने के लिए पेन, या भार रहित पेन? क्वेश्चन नंबर 23 गाइज आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी के साथ में, आपका इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन गाइज अपन जैसे कि ये होते हैं प्रोजेक्टर के अंदर जो ब्लू ब्लू टिक करने के लिए अपन काम में लेते हैं,
ठीक है। तो ये लाइट पेन गाइज आपका इनपुट डिवाइस के अंदर अपन काम में लिया जाता है, ऑप्शन बी। सबसे बड़ा मैमल कौन सा है गाइज? सबसे बड़ा मैमल कौन सा है? अफ्रीकी हाथी, दरियाई घोड़ा, ब्लू व्हेल या हैमर हेड शार्क? सबसे बड़ा दरियाई घोड़ा को ये दरिया नहीं, सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है गाइज? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी आपका ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा गाइज। सबसे बड़ा स्तनपाई और सबसे बड़ी कोशिका होती है आपके शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे बड़ी कोशिका होती है गाइज शुतुरमुर्ग के अंडे की, ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, सबसे छोटी कोशिका आपकी माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी कोशिका आपकी माइकोप्लाज्मा है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। और ह्यूमंस के अंदर बात करें, मनुष्य के अंदर, मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु और सबसे छोटी कोशिका ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है शुक्राणु। ये ध्यान में रखिएगा, ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटी कोशिका ह्यूमन बॉडी के अंदर शुक्राणु, सबसे बड़ी ह्यूमन बॉडी के अंदर अंडाणु। निम्न में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है गाइस? ग्रीन हाउस गैस से संबंधित जो प्रोटोकॉल है उसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल, जो आपका जापान में स्थित है। ग्रीन हाउस प्रभाव किसकी वजह से बढ़ता है? आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गैस आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा। टोटल ब्रह्मांड के अंदर, प्रकृति के अंदर 6 ग्रीन हाउस गैसेज हैं। DPT में पी किसको रिप्रेजेंट करता है गाइज? DPT में पी किसको रिप्रेजेंट करता है? सोराइसिस, पर्टुसिस, पेंकोलाइटिस या पार्किसंस, बताइएगा गाइज। डिप्थीरिया होता है डी का मतलब, टी का मतलब टिटनेस होता है, पी का मतलब क्या बनेगा गाइज? पी का मतलब है यहाँ पे पर्टुसिस। DPT का टीका लगाया जाता है डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस में, तो पी का मतलब है गाइज यहाँ पे पर्टुसिस, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से जो भिन्न है उसको चुनिएगा, देखिए ऑप्शन में से गाइज जो डिफरेंट है वो बताइएगा क्या है। पहला है साइरस, मंगल, नेपच्यून या शनि? देखिए ऑप्शन में से बताइएगा कौन सा डिफरेंट है गाइज। क्वेश्चन नंबर 27 के आंसर जाएगा यहाँ पे गाइज, आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर एक के साथ में। ऑप्शन नंबर ए आपका एक तारे का नाम है, स्टार का नाम है साइरस, बाकी आपके सभी के सभी ग्रह है। मंगल, शनि, नेपच्यून ये सभी के सभी आपके गाइज ग्रह हो गए, साइरस एक तारे का नाम है। ओके गाइज, फिर से एक सिंपल सा न्यूमेरिकल आया, देखते हैं क्या कहते हैं। यदि एक सर्किट का रेजिस्टेंस दुगुना किया जाए, यदि पहले रेजिस्टेंस R होता है फिर आप उसका रेजिस्टेंस 2R कर देते हो, तो वोल्टेज समान है, यहाँ पे भी वोल्टेज V है, यहाँ पे भी वोल्टेज V है, तो सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी? यहाँ पे करंट I है तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या बनेगी गाइज? क्वेश्चन समझ में आ गया आपके? यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगुना किया जाता है, वोल्टेज को आप समान रखते हो, सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी? ओम का नियम कहता है V=IR होता है, तो I=2 हो जाता है गाइज आपका V/R। ओम के नियम से I=2 हो जाता है V/R, ठीक है गाइज। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, V तो आपका फिक्स है, रेजिस्टेंस को आपने किया डबल, तो ये हो गया आपका V/2R, ठीक है। तो यानी आपका आंसर बन जाएगा आपका करंट आधी हो जाएगी, क्लियर है। V/2R होगी, यानी जो पहले थी I उसकी होगी 1/2, V/R की जगह मैंने I रख दी, ये 2 मेरा आ गया तो I/2 हो गई गाइज, क्लियर है, आधी घट जाएगी। मानव शरीर में मौजूद निम्न कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? RBC, लीवर, मांसपेशी या WBC? देखिए ऑप्शन में से किसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता गाइज, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका शक्ति ग्रह कहते हैं। RBC की बात करें तो गाइज RBC के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जिसका मकसद होता है ऑक्सीजन कैरी करने का, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा गाइज, माइटोकॉन्ड्रिया RBC के अंदर नहीं पाया जाता, क्योंकि गाइज वो ऑक्सीजन की यहाँ पे खपत होने लगेगी यदि माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर पाया जाएगा। तो गाइज आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, RBC के अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। RBC का अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जिसका मकसद होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, और माइटोकॉन्ड्रिया आपकी ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है, तो गाइज इसलिए इसके अंदर आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 2013 के अंदर प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह निम्न में से कौन सा है? डिफेंस सैटेलाइट पूछा गया गाइज। भारत का सबसे पहला उपग्रह आपका आर्यभट्ट। भारत का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट है आपका, भारत का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट है एप्पल। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का पहला डिफेंस सैटेलाइट कौन सा है, भारत का पहला रक्षा उपग्रह कौन सा है गाइज? तो गाइज भारत का पहला रक्षा उपग्रह है आपका GSAT-7। जी का मतलब होता है जियो स्टेशनरी, सेट का मतलब होता है सैटेलाइट, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अपन बोल देते हैं।
जी सेट 7 भारत का पहला रक्षा उपग्रह है, 2013 के अंदर लॉन्च किया गया। देखिए ऑप्शन में से किसकी वजह से जल प्रदूषण नहीं होता, देखिए ऑप्शन में से किसकी वजह से जल प्रदूषण नहीं होता गाइस, आंसर हो जाएगा यहाँ पे मछली पकड़ने से, ऑप्शन नंबर सी मछली पकड़ने से नहीं होता, बाकी तेल फेरने से भी होता है, घर का कचरा जाने से भी होता है, समुद्र के अंदर अपन डंपिंग करते हैं कचरा गिरा देते हैं उससे भी होता है। पशुओं की प्रजातियाँ ज़्यादातर किसके कारण लुप्त हो रही हैं, पशुओं की प्रजातियाँ किसके कारण लुप्त होते जा रही है गाइस, आवास विखंडन, अम्ल वर्षा, अत्यधिक शिकार या पानी की कमी, पशुओं की प्रजातियाँ किसके कारण लुप्त हो रही है गाइस, क्या आंसर बनेगा, ज़्यादा किसकी वजह से हो रही है, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए आवास विखंडन की वजह से, ऑप्शन नंबर ए आवास विखंडन की वजह से पशुओं की प्रजातियाँ लुप्त हो रही हैं। ओके गाइस देखते हैं इस क्वेश्चन का कौन सही आंसर देता है। भाई अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था, क्वेश्चन नंबर 33 क्या आंसर बनेगा, देखते हैं कौन सही आंसर देता है, मोहित चौधरी, क्वेश्चन नंबर 33 आंसर दीजिएगा गाइस, वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। कृष्णा ऑप्शन ए, रविराज ऑप्शन बी, योगेश यादव ऑप्शन बी, दिनेश कुमार ऑप्शन बी, आंसर दीजिएगा गाइस, आदर्स ऑप्शन बी, और भी दीजिएगा गौतम कुमार ए बी दोनों ही दे दीजिएगा, सुनील मेहता ऑप्शन ए, विश्वनाथ ऑप्शन बी, पूजा सैनी ऑप्शन ए, गौतम कुमार ऑप्शन बी। गाइस क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन थोड़ा सस्पेंस करा सकता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है यहाँ पे आपका भाई अंतरिक्ष में, अगर भाई अंतरिक्ष पूछे तो आपको गाइस यूरी गागरिन पे टिक लगाना है, यदि आपको चंद्रमा की सतह पूछे तब आपको नील आर्मस्ट्रांग लगाना है, ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान में रखना है अपने को। भाई अंतरिक्ष पूछे तो भाई अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला था आपका यूरी गागरिन, और चंद्रमा पे कदम रखने वाला था आपका नील आर्मस्ट्रांग, और नील आर्मस्ट्रांग के साथ में कौन गया था आपका बज एल्ड्रिन, ये दोनों साथ में गए थे, नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन दोनों साथ में थे। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे गाइज, वर्तमान में आपकी जो पीरियोडिक टेबल है वो परमाणु संख्या के ऊपर आधारित है, और जो आधुनिक है वो मोजेले के द्वारा दी गई, और पहला वैज्ञानिक कौन था, तो पहला वैज्ञानिक था आपका दिमित्री मेंडलीव, ऑप्शन नंबर सी, और इसने द्रव्यमान का यूज किया था, पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू परमाणु द्रव्यमान इसने रखी थी। जीव और पर्यावरण के बीच की अनन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है, जीव और पर्यावरण के बीच की अनन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है गाइस, इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एंटोमोलॉजी या ऑर्निथोलॉजी। गाइस देखिएगा यहाँ पे चार वर्ड आए, चारों ऑप्शन भी आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, यदि आपसे पूछे पक्षी विज्ञानी को हिंदी में क्या कहते हैं, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, सूक्ष्म जीव का माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा एक स्टेम सेल का प्रकार नहीं है, देखिए ऑप्शन में से कौन सा स्टेम सेल का प्रकार नहीं है गाइस, फैट ऑप्शन डी कह रहे हैं, आपका आंसर बन जाएगा गाइस फैट, फैट आपका सेल का प्रकार नहीं है गाइस, बाकी आपके हैं नाभिरज्जु, भ्रूण और भ्रूण मूल्य, तीनों आपके टाइप है, आंसर बन जाएगा फैट वसा, ऑप्शन डी नहीं है। वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है, होमो सेपियंस का मतलब क्या है गाइस, होमो सेपियंस का मतलब क्या बनेगा यहाँ पे, सीधा आदमी, लंबा आदमी, बुद्धिमान या कामकाजी, होमो सेपियंस है उसका सीधा मतलब क्या है गाइस, आंसर जाएगा बुद्धिमान आदमी, होमो सेपियंस का मतलब है गाइस बुद्धिमान आदमी, ऑप्शन सी। नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है गाइज, न्यू बॉर्न बेबी के अंदर पूछा गया गाइज, न्यू बॉर्न बेबी के अंदर होती है आपकी 350, तो 300 प्लस होती है, यहाँ पे 350 दे दिया, अपन इस पे टिक लगा देंगे, 206 होती है एडल्ट के अंदर, सिंपल सा क्वेश्चन है। मांसपेशियों की संख्या होती है गाइज 656 या 665 के समथिंग होती है मांसपेशियों की संख्या, 600 से ज़्यादा होती है मांसपेशियाँ मसल्स की संख्या। होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनॉइड्स कौन थे, होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत करने वाले प्रारंभिक होमिनॉइड्स कौन थे गाइज, अर्गेस्टलाइन, क्रोमैग्नन, नियंडरथल या प्रोंकार्सल, क्वेश्चन नंबर 39 के आंसर बनेगा यहाँ पे,
गैज आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में आपका क्रोमैग्नन। होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनोइड्स थे आपके क्रोमैग्नन, ऑप्शन नंबर बी। मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है, जीभ के अंदर कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है गैज, क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? लोकेश कुमार साहू, शुभम ओझा, क्या आंसर बनेगा गैज? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में 2000 से 8000 के बीच में। 2000 से 8000 कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है गैज, आंसर बनेगा 2000 से 8000 के बीच में स्वाद कलिकाएं। हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण, हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण जिस खगोल शास्त्री को उसके घर में नज़रबंद किया गया वो कौन था गाइज? गाइज हेलियोट्रम्स है यहाँ पे, उसको अपन टेम्परेचर या सूर्य से रिलेट करते हैं, हाई टेम्परेचर या सूर्य से रिलेट करते हैं अपन हेलियोट्रम्स को। यहाँ पे क्वेश्चन है गाइज, हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नज़रबंद किया गया था गाइज, क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? गाइज आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में गैलीलियो गैली, गैलीलियो गैली ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बनेगा गाइज। यहाँ पे हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण खगोल शास्त्री गैलीलियो गैली को नज़रबंद किया गया था। 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत का पहला जियो स्टेशनरी उपग्रह कौन सा था गाइज? भारत का पहला जियो स्टेशनरी उपग्रह, विषमनाथ जी अभी कुछ फिक्स नहीं है, अभी तो लॉकडाउन वापिस से हो रहा है धीरे धीरे। 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत का पहला जियो स्टेशनरी उपग्रह कौन सा था गाइज? यहाँ से आप आंसर लगाएगा 1981 से, 1981 में किसको लॉन्च किया गया था गाइज? आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका एप्पल, बिल्कुल सही है। एप्पल आपका 81 हो गया, आर्यभट्ट आपका 1975 हो गया, और 1900 ये एप्पल आपका पहला गाइज क्या है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, संचार, और संचार उपग्रह को अपन जियो स्टेशनरी कक्षा के अंदर लॉन्च करते हैं। ओके गाइज, देखिए ऑप्शन में से बताएगा कौन सा स्टेटमेंट असत्य है, देखिए ऑप्शन में से असत्य बताएगा गाइज कौन सा है। क्या दाब ध्वनि तरंगों के अंदर दाब होता है, क्या प्रेशर होता है, क्या ध्वनि तरंगों के अंदर प्रेशर, क्या ध्वनि तरंगे आपकी अनुदैर्ध्य होती है, क्या क्या ध्वनि तरंगे आपकी विद्युत चुंबकीय होती है, क्या क्या ध्वनि तरंगे आपकी यांत्रिक तरंगे होती है, क्या? देखिए ऑप्शन में से गाइज यहाँ पे आपको इनकरेक्ट असत्य स्टेटमेंट बताने हैं, क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 43 का गाइज? ध्वनि तरंगों की स्पीड सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है? ध्वनि तरंगों की स्पीड होती है सबसे ज्यादा ठोस के अंदर, द्रव में कम हो जाती है, गैस में और कम हो जाती है, वैक्यूम में आपकी जीरो हो जाती है। इसका मतलब है कि ध्वनि तरंगों को माध्यम की जरूरत है, इसका मतलब ध्वनि तरंगों को माध्यम की जरूरत है, क्योंकि ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, द्रव में कम हो जाती है, गैस में कम हो जाती है, वैक्यूम में और ही कम हो जाती है। अब तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और गज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होते हैं जिनको मीडियम की जरूरत ही नहीं होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होते हैं जिनको मीडियम की जरूरत ही नहीं होती, ये बिना मीडियम भी चलती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका इनकरेक्ट है। ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग दोनों मिल जाए, आपकी साउंड और लाइट दोनों मिल जाए तो यांत्रिक तरंग बन जाती है, क्लियर है? ये भी सही है आपका, ये आपका गलत हो जाएगा। ध्वनि तरंग है हमेशा अनुदैर्ध्य होती है, प्रकाश तरंग आपकी अनुप्रस्थ होती है, और इनके अंदर प्रेशर का भी रोल होता है गाइज। एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना हुआ होता है? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइज, जिसने नहीं किया, जिसने कर दिया वो मत कीजिएगा दोबारा लाइक, क्या आंसर बनेगा गाइज यहाँ पे? और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे के निशान को दबा लीजिएगा जिसके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है। लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? प्लेटिनम, टेंटलम, टंगस्टन या एंटीमनी? गाइज आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका टंगस्टन, और इसका जो टंगस्टन हो गया गाइज, और इसका जो होता है मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 3600 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन में इसके आसपास की संख्या देखने को मिलेगी गाइज आपको, 3600 मिल सकता है, 3400 मिल सकता है, 3500 मिल सकता है। एक मात्र धातु कौन सी है जो कमरे के टेम्परेचर पर द्रव्य में बदल जाती है? कमरे का जो रूम टेम्परेचर का ही उसको अपन लेते हैं अप्रोक्सीमेट 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बताइएगा गाइस क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? जो रूम टेम्परेचर पर द्रव्य में बदल जाती है क्या आंसर बनेगा? पारा, ब्रोमिन, क्लोरीन या गैलियम? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, अच्छे से पढ़िएगा, बस यहाँ पढ़ने लायक एक ही चीज़ है कि अधातु है या धातु, तो ए धातु पूछा है तो अपना आंसर बन जाएगा गाइज ब्रोमीन, अगर धातु पूछा होता तो अपना आंसर बन जाता पारा, सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्न जीव में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता? जीव मुकुलन द्वारा, बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता गाइज, आपके जो अलैंगिक प्रजनन होता है उसका एक टाइप है आपका मुकुलन बडिंग,
जो एसेक्सुअल होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है, 6 प्रकार के होते हैं। मुकुलन हो गया यार ये, तो आपको बताना है गाइज एक कायिक प्रजनन होता है। तो गाइज यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनिलिडो। एनिलिडो है, इसके अंदर आपका मुकुलन द्वारा नहीं होता, बाकी आपका मूंगा, हाइड्रा, स्पंज, ये सेवलों के नाम है गाइज। आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ओके गाइज, ये बताएगा किसका फॉर्मूला है, C12H22O11 किसका फॉर्मूला गाइज बताएगा, रेत, चीनी, नमक या क्ले। क्या आंसर बनेगा गाइज, देखिए ऑप्शन में से किसका फॉर्मूला है गाइज, रेत और क्ले का तो एक ही हो जाएगा शायद। क्या बनेगा, रेत और क्ले को तो अपनी सिलिका ले लेंगे, SiO2। चीनी का हो जाएगा, नमक का हो गया अपना NaCl, तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा चीनी का। चीनी का हो गया आपका गाइज C12H22O11, और गाइज ग्लूकोज का होता है अपना C6H12O6। तो दोनों के अकॉर्डिंग गाइज थोड़ा सा रिलेट कर लीजिएगा एक दूसरे के साथ में। ग्लूकोज का होता है C6H12O6 और चीनी का हो गया C12H22O11। 20 मिलियन डॉलर खर्च करके एक ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था गाइज, यानी गाइज ये यात्री था, टूरिस्ट था ये, और उसने 20 मिलियन डॉलर खर्च किए थे और अंतरिक्ष में 8 दिन जाके आया था ये, यानी टूरिस्ट कौन था गाइज अंतरिक्ष में जाने वाला। 20 मिलियन डॉलर खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था गाइज, आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डेनिस टिटो। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा गाइज, डेनिस टिटो। यात्री का नाम है, टूरिस्ट का नाम है डेनिस टिटो। ओके गाइज, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा डिफरेंट है, एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा या पीतल। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा डिफरेंट है गाइज, क्या आंसर बनेगा यहाँ पे, एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा या पीतल। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइज, आंसर जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ में, पीतल। ये आपकी मिश्र धातु है, तांबा और जिंक से मिलकर बनती है पीतल, पीतल तांबा और जिंक से मिलकर बनती है, बाकी सिंपल आपके सिंगल एलिमेंट है, सिंगल तत्व है, ये आपकी एक मिश्र धातु है। 5 क्वेश्चन और देखेंगे गाइज, निम्न में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है। ओके गाइज, VIBGYOR क्वेश्चन पूछा गया, फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसकी होती है, आवृत्ति सबसे कम किसकी होती है गाइज, आंसर दीजिएगा। देखिए हरा, नीला, लाल या बैंगनी, कौन सही करेगा गाइज इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 50 कौन सही करता है देखते हैं गाइज, बताइएगा किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम बनेगी गाइज। अनिकेत कुमार कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बनेगा, कृष्णा ऑप्शन नंबर डी, आदर्श ऑप्शन डी, रविराज सबके ऑप्शन डी आ रहे हैं, FG ऑप्शन डी सबके डी आ रहे हैं, वेरी गुड गाइज, आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, VIBGYOR किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम बनेगी गाइज। गाइज ये हो गया अपना रेड, ये हो गया अपना बैंगनी, इसकी तरंगदैर्ध्य आपकी सबसे ज़्यादा होगी, इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगी तो गाइज इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी सबसे कम बननी चाहिए, नहीं नहीं इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ये तो क्वेश्चन ही गलत है, आंसर गलत आ गया, बिल्कुल सही है। निम्न में से किस रंगीन प्रकाश की, क्या आंसर बनेगा गाइज, इसका बैंगनी आना चाहिए ना, या इसमें थोड़ा सा सस्पेंस, रंगीन प्रकाश माना गया है यहाँ पे, या प्राइमरी कलर की बात कर रहा है ये क्वेश्चन, प्राइमरी कलर की बात तो नहीं कर रहा कहीं, प्राइमरी कलर की नहीं कर रहा, प्राइमरी कलर आपके 3 ही होते हैं, प्राइमरी कलर आपके 3 ही होते हैं, और ये कह रहा है कि किस रंगीन प्रकाश की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है गाइज, आई थिंक इसका ऑप्शन डी जाना चाहिए, अगर ये प्राइमरी कलर्स की बात नहीं कर रहा है तो, प्राइमरी कलर्स की बात नहीं कर रहा है तो आपका आंसर जाएगा डी ही। तो गाइज इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अपन इसको अच्छे से देखेंगे एक बार दोबारा से, क्वेश्चन नंबर 50 को, ठीक है, हो सकता है रंगीन प्रकाश अपने 3 प्राइमरी कलर हो रहे हैं। ओके गाइज, तो इसका आंसर जाना चाहिए आपका डी, अगर ये टोटल 7 कलर की बात कर रहा है तो। ओके गाइज, 5 क्वेश्चन और देख लेते हैं, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्न में से कौन सी थी गाइज, सबसे पहले खोजी गई एंटीबायोटिक कौन सी थी, क्या आंसर बनेगा गाइज, बिल्कुल सही है डी होना चाहिए इसका आंसर, बिल्कुल सही है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती है गाइज। यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे गाइज आंसर बनेगा सिंपल सा क्वेश्चन है, पेनिसिलिन, ईयर याद रखिएगा 1928, पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 2015 में कौन से ग्रह के ऊपर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियरों की खोज की गई थी गाइज,
2015 में कौन से ग्रह के ऊपर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियरों की खोज की गई थी? आंसर बनेगा गाइस आपका मंगल ग्रह। 2015 ध्यान में रखिएगा, मंगल ग्रह के ऊपर जमे हुए ग्लेशियरों की खोज की गई थी। मंगल ग्रह, मार्स की बात हो रही है, फोबोस डिमोस इसके उपग्रह है। डिमोस आपका प्रकृति के अंदर सबसे छोटा उपग्रह है। कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है गाइस? दिए गए ऑप्शन में से क्या आंसर बनेगा? निम्न में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है गाइस? आंसर बनेगा आपका ओजोन क्षय। ओजोन क्षय ओनली आपकी सीएफसी की वजह से होता है। आंसर बनेगा गाइस ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बनेगा। साउंड की वजह से ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बन जाएगा गाइस। क्लोरो फ्लोरो कार्बन ओजोन लेयर को आपका नष्ट करता है। सबसे ज्यादा ओजोन लेयर समता मंडल के अंदर पाई जाती है। ओजोन की जो मोटाई अपन डॉप्सन यूनिट के अंदर मेजर करते हैं गाइस। डेसिबल मत कर देना, डॉप्सन यूनिट। ओजोन लेयर की मोटाई डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं। साउंड को अपन डेसिबल में मेजर करते हैं। ओके गाइस, कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 54, रक्त का थक्का बताइएगा गाइस, कौन सा विटामिन भूमिका निभाता है रक्त का थक्का बनाने में? क्या आंसर बनेगा गाइस यहाँ पे? सेकावजी ऑप्शन डी, ऑप्शन के तो है नहीं अपना, विटामिन के है। क्या आंसर बनेगा गाइस यहाँ पे? विटामिन के तो ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन दे रहे हो आप, ऑप्शन भी तो देखिएगा गाइस। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विटामिन के तो है ही है अपना, के ऑप्शन में नहीं है। क्या आंसर बनेगा और कौन सा होगा यहाँ पे गाइस? रक्त एक टॉफी, एक तो अपन इससे याद कर सकते हैं, थोरा न्यू पेंट पर बसा साइनोकोबालेमिन। आंसर हो जाएगा गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, B12 साइनोकोबालेमिन। तो मेन तो आपका हो गया विटामिन के नहीं है, तो आपका आंसर बन जाएगा साइनोकोबालेमिन। ये भी होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा, B12। ओके गाइस, ये भी एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फारेनहाइट के बराबर होता है? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिएगा गाइस। एफ बराबर 9/5 इंटू सी प्लस 32, ठीक है। सी की वैल्यू आपको 0 बता रहा है, तो ये टर्म्स पूरी 0 हो गई, यानी ओनली आपका आंसर आ जाएगा गाइस 32 डिग्री फारेनहाइट, ऑप्शन नंबर डी। तो फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, जरूरी नहीं गाइस आपसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही दें, और कुछ दे दिया तो ध्यान में रखिएगा 9/5 इंटू सेंटीग्रेड प्लस 32। ओके गाइस, ओके गाइस, ये था अपना आज का सेशन। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा गाइस, करो तो। ओके गाइस, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। चलो गाइस, मिलते हैं अपन राजस्थान जीके 1:15, 4:30 बजे इंडिया जीके, और 7 PM पे मिलते हैं अपन गाइस अपने स्टैटिक जीके कंप्यूटर और करंट अफेयर के साथ में। चलो, राजकुमार चौधरी, रविराज, पूजा सैनी, शुभम ओझा, लिटिल कैंपस, विश्वनाथ कुमार, रविराज। ओके गाइस, थैंक यू। आदर्श सचन, थैंक यू गाइस। चलो गाइस, थैंक यू, बाय बाय।